व्हाइट मटीरा माशाल्लाह से बड़ी हेल्थी हो गई है और इसने फ्रूटिंग भी जो सा है वो स्वेलिंग करना शुरू कर दिए हुए माशाल्लाह से, थ्रोट के साइज इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं दिन ब दिन जो सा है, ये अपनी प्रोग्रेस दिखा रही है माशाल्लाह से, फ्रूट्स भी इसने काफ़ी उठा लिया है, हर ब्रांच पे जो सा है चार पाँच दाने इसको लगे हुए हैं, क्योंकि अभी गमला छोटा है तो हम इसे ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब कि इसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये भी इसके गमले के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसमें हैप्पी हूँ अभी फ़िलहाल। इसको जो सा है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सीज़न आने से पहले पहले हम इसको बड़ा गमला देंगे, लाइक ये ट्रंक जो सा है इसके लिए मैंने रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला इसको जो सा है बड़े गमले में जब डालेंगे उसके बाद इसकी ग्रोथ देखेंगे कैसी होती है, फिलहाल तो ये अभी स्लो स्लो चल रहा है और मैं इसको जो सा छेड़ना नहीं चाह रहा। इसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स निकाली थी, यहाँ से निकाली या आप देख रहे हैं यहाँ से निकाली, जहाँ से भी बर्ड्स निकाली थी इसकी बर्ड्स ना काम हुई थी, तो अभी एक दोस्त ने मुझे बोला था कि इसकी थोड़ी सी स्टिक ग्राफ्टिंग करें, थोड़ी सी टैनी लेकर वो ग्राफ्ट करें, तो वो भी मैंने इंशाल्लाह ताला ये दो ग्राफ्ट किए हुए हैं, देखें स्टिक्स छोटी छोटी ग्राफ्ट की हुई हैं, आप देखो कि इनमें से कौन सी कामयाब होती है, बर्ड ग्राफ्टिंग तो इसकी भी फिलहाल नहीं चली, क्योंकि ये जब मैंने ली थी इसकी बर्ड्स तब ये इमेच्योर थी, लाइक ये देखें इसकी स्टेम्स इस तरीके की रहती हैं और ये 6 से 7 महीने की स्टेम है और अभी तक स्टील जो सी है मेच्योर नहीं हुई, तो इसकी बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ है, इसलिए इसको भी मैं छेड़ नहीं रहा कि मदर प्लांट मेरा ज़ाया ना हो जाए, जैसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों के साथ इसको भी शेयर किया जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका।